हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवर चैनल हेल्प की पाठशाला। बात कर लेते हैं सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में वैकेंसीज आई हैं उनका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सीआरपीएफ की वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कब एग्ज़ाम होंगे, कब ऑनलाइन फॉर्म होंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 23 मार्च 2023 है और लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन फी पेमेंट की 25 अप्रैल 2023 यहाँ पे दी गई है। जबकि रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 20/6/2023 से 25/6/2023 तक आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम है 1/7/2023 से 13/7, जैसे जैसे आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आती जाएगी वैसे वैसे आपके शेड्यूल वाइज आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और बात कर ले इसकी कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसीज है, वैकेंसीज के बात कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वैकेंसीज की लिस्ट तरीके पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल इसका रहने वाला है पे स्केल 3rd 21,700 से 69,100 तक, और यहाँ पे ये वैकेंसीज की डिटेल दी गई है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है, टोटल मेल एंड फीमेल्स की जो वैकेंसीज है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और इसमें बात कर ले एज लिमिट क्या होने वाली है। एज लिमिट कांस्टेबल ड्राइवर की जो होने वाली है, एज लिमिट 21 से 27 वर्ष होने वाली है, यानी कि 1/8/2023 से कैंडिडेट 2/8/1996 के बीच का होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें एज लिमिट जो कि एज में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, कैटेगरीज वाइज दिया गया है 5 ईयर और 3 ईयर्स का, SC ST OBC के अनुसार आपका, एक्स सर्विस मैन के अनुसार आपको ये एज छूट दी गई है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत एक्स सर्विसमैन की जो पोस्टेज है उनकी भी हम बात कर ले तो आगे बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है इसकी और इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या टेस्ट होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें, सिटी ड्राइवर की बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन मिनिमम एंड 10th पास तो आपके पास होना चाहिए, यानी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर हैवी ट्रांसपोर्ट यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, शुड यू पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट के अनुसार। और सिटी मैकेनिक मोटर व्हीकल्स की बात करें, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम मैट्रिक से 10+2 यानी 12वीं आपके पास पास होनी चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन पासिंग 2 ईयर यानी कि आपके पास ITI ज़रूरी है इसमें, सिटी मैकेनिकल मोटर की जो वैकेंसीज है उसके अंदर। फॉर ऑल अदर ट्रेडमेंट्स की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, मिनिमम मैट्रिकेशन क्वालिफिकेशन आपकी आपके पास वही है, 10th की आपके पास परवरिश होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट यानी आर्मी क्वालिफिकेशन इन दी ओपे एक्स आर्मी पर्सन का आपके पास होगा उसके लिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन मस्ट बी प्रोवाइड द वर्क इन दी रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर। और इसके अंदर बात करें सिटी प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन की, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर OEM इलेक्ट्रिशियन 10th पास तो आपके पास होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिव ट्रेड लाइक मॉनिटरी ऑफ प्लम्बिंग का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स 1 ईयर का। और अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको ऑनलाइन करना होगा, हम आपका उसका वीडियो बना देंगे। और जो इसकी फ़ीस की बात करें तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, ओनली 100 रुपये है, SC ST की कोई उसमें नहीं, और जबकि फॉर्मल कैंडिडेट EWS और जनरल OBC की 100 रुपये है यहाँ पर फीस है, SC ST की नहीं है। और सेंटर सिटीज़ आपको ये दे रखी है, आप यहाँ से सेंटर सिटी चूज़ करके आप सेंटर सिटी भर सकते हैं, जो भी आपको नियर बाई एवरेज रहेगा वो आप भर सकते हो यहाँ पे सेंटर सिटी। और आपके जो टेस्ट होगा उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, और जनरल नॉलेज ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग 25 नंबर का आएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी 25 नंबर की, हिंदी इंग्लिश और हिंदी आएगी 25 नंबर की फ्रेंड्स, ये आपका टेस्ट का हो गया। तो ये बेस्ट है कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं इसके अंदर, देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि CRPF के अंदर आई बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, आप इसके फॉर्म 27 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।